अंतरिक्ष में 500 करोड़ सौर मंडल है और न जाने कितने छोटे बड़े ग्रह। ये अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। अब सोचिए, अगर इनमें से कोई भी एक अगर धरती से टकरा गया तो क्या होगा। अगर आसमान से आग का गोला धरती पर गिरा तो कैसा मंजर होगा। ऐसा है एक ग्रह धरती के बेहद करीब आता जा रहा है, यानी ग्रह, और वैज्ञानिकों से इसके धरती के टकराने का काउंटडाउन आने लगा है। क्या आसमान से गिरने वाला है आग का गोला? क्या धरती पर भयानक तबाही आने वाली है? वैज्ञानिकों ने धरती का काउंटडाउन क्लॉक ऑन कर दिया है और टाइम सेट कर दिया है 159 साल। 24 सितंबर 2182, जी हां, ये तारीख बताई गई है जब बेनू नाम का एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा। नासा के वैज्ञानिक धरती पर मंडरा रहे इस खतरे को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। धरती को बचाने का मेगा मिशन चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अगर बेनू नाम का उल्कापिंड धरती से टकरा गया तो मंजर कैसा होगा। बता दें कि बेनू उल्कापिंड 500 मीटर चौड़ा है। यह अंतरिक्ष में 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड इस रफ्तार से धरती से टकरा गया तो सबसे बड़े एटम बम से भी 22 गुना ज्यादा इंपैक्ट होगा। इसके धरती पर टकराने से 10 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर यानी गड्ढा बन जाएगा। इसके टकराने से करीब 1000 किलोमीटर के इलाके में तबाही आ जाएगी। इसका असर पूरी दुनिया में होगा। दुनिया भर में भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे और ये झटके समंदर में बड़ी सुनामी की वजह बन सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके धरती के टकराने की संभावना कम है, लेकिन इसके खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बेनू के पाथ को देखिए, हर 6 साल में ये धरती के पास से गुजरता है और हर बार ये धरती के करीब आता जा रहा है, और यही वजह है कि इसके टकराने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन नासा के वैज्ञानिक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए वो धरती की तरफ आते किसी भी उल्कापिंड का रास्ता मोड़ सकते हैं। 26 सितंबर 2022 को नासा ने डार्ट मिशन को पूरा किया। इसमें डिमॉर्फस नाम के उल्कापिंड का रास्ता बदला गया। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने उल्कापिंड को हिट किया था। इस मिशन के सफल होने के बाद माना जा रहा है कि फ्यूचर में धरती की तरफ आते किसी भी एस्टेरॉयड को इसी तरह से तबाह किया जा सकता है या फिर मोड़ा जा सकता है। धरती पर डायनासोर के खात्मे की वजह उल्कापिंड ही थी, और आज भी धरती पर हर पल इसका खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा वैज्ञानिक इससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नासा ने धरती की तरफ आते किसी भी उल्कापिंड का रास्ता बदलने के लिए एक और मिशन प्लान किया है। एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट मिशन के तहत छोटे उल्कापिंड का रास्ता बदलने का प्लान है। नासा का विशाल स्पेसक्राफ्ट उल्कापिंड के पास पहुंचेगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में अटैच एक बड़ा सा बलून निकलेगा और यह उल्कापिंड को अपने अंदर समा लेगा। इसके बाद इस उल्कापिंड को ट्रांसपोर्ट करके किसी दूसरे ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। अंतरिक्ष में अरबों उल्कापिंड तैर रहे हैं। इनके आकार छोटे कण से लेकर धरती से कई गुना बड़े हैं। ये सभी उल्कापिंड अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी उल्कापिंड अगर धरती से टकरा गया तो भयंकर तबाही आ सकती है, ठीक वैसे ही जिस तरह से धरती पर हिम युग का अंत हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन।